दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े हिम्मेदार सवाल जो आपके ज़िंदगी बनाने में सफलता मिलेगी और हर बीमारी से छुटकारा मिलेगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों सवाल नंबर 1, आधा कपार का दर्द कैसे ठीक होता है? दोस्तों क्या क्या करना पड़ता है नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है अंगूर खाने से ठीक होता है आधा कपार का दर्द, यानी आधा कपार में दर्द है आपको तो तुरंत खाना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके तुरंत कोई भी प्रकार की बीमारी मिट जाएगी और अंगूर का जूस भी आप पी सकते हैं, हरा रंग वाला। सवाल नंबर 2, लू लगने पर क्या करना चाहिए तुरंत? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। अच्छा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है रोज आम का को पकाकर खाना चाहिए। अगर आम पका करके, कच्चा आम पका करके एक रोज खाते हैं तो आपको लू जो है नहीं लगेगी और लगा भी होगा तो तुरंत ठीक हो जाएगी दोस्तों, लेकिन ये सब होता है आम के सीज़न में। अगर आम का सीज़न नहीं है तो ठंडा सामान खाएं। सवाल नंबर 3, गठिया की बीमारी कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है जितना हो सके उतना टमाटर खाना चाहिए, क्योंकि टमाटर खाने से जो है गठिया की बीमारी से तुरंत छुटकारा मिलती है। और सरसों तेल, लहसुन, जवाइन गरम करके और उस पर मालिश करें खूब सुबह शाम। सवाल नंबर 4, मुंह से दुर्गंध अगर आने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए कि अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है भोजन करने के बाद एक इलायची खाना चाहिए, एक इलायची खाने से मुंह की दुर्गंध नहीं आएगी। और खाना खाने के बाद आप धनिया भी खा सकते हैं दोस्तों, इससे भी मुंह की दुर्गंध नहीं आती है, बास नहीं मारता है तो एक दूसरे के पास में बैठने में मजा आता है। सवाल नंबर 5, पेशाब में जलन आने लगे तो क्या करना चाहिए तुरंत? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है फूल गोभी की सब्ज़ी खाना चाहिए, जौ का सत्तू खाना चाहिए, भिंडी की सब्ज़ी खाना चाहिए, खाने में मूली की सब्ज़ी खाना चाहिए और त्रिफला का चूर्ण खाना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्त मेरे जरूर करें।